हरी सहनी एक मल्लाह का बेटा, मछली बेचने वाला परिवार का बेटा, आज इस योग्य पार्टी समझी है के नीचे बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक काम करते हैं। और आज के तारीख में भी विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव को लेकर के आज उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि में आज NDA ने अपने चारों प्रत्याशियों का नामांकन कराया है। नामांकन कराने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हुए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भाजपा के वो भी पहुंचे हुए हैं और नामांकन कराने के साथ ही जो BJP के कैंडिडेट्स हैं, आपको बता दें कि हरी सहनी वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही अनिल शर्मा जो कि BJP से ही उम्मीदवार है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो सुन लीजिए आप। अरसों से और लंबे अरसों से पार्टी के का सेवा करते आया हूँ, पार्टी में रहकर काम करते आ रहा हूँ। और एक बात हमेशा लगता है कि हमारी पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जमीन पर भी दिखता है, जनता के बीच और कार्यकर्ता के बीच भी ये देखा जा रहा है। जो आज हरी सहनी एक मल्लाह का बेटा, मछली बेचने वाला परिवार का बेटा, आज इस योग्य पार्टी समझी है। निश्चित रूप से मैं पार्टी द्वारा जो विश्वास किया गया है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा, अपने समाज को, सभी समाज के साथ साथ अपने समाज के हर हक को दिलाने के लिए पूरा। काम करने का मौका मिला और उसके चक्र छाप जब जनता दल यू, लोक दल, फिर समता पार्टी, फिर जनता दल यू और आज तकले हम लोग पार्टी के नीचे बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक काम करते हैं। और आज के तारीख में भी हमारे पार्टी के साथी जो कार्यकर्ता साथी हैं बूथ पर भी बैठक करते हैं, तो हम वहाँ जाने का काम करते हैं और हम लोग हैं, अभी हैं। नहीं, हम शुरुआत से अपने नेता के शागिर्द में, माननीय नीतीश कुमार जी के शागिर्द में काम करने का मौका मिला और कर रहे हैं। उन्हें मेरा गांव तो कुनकुन प्रखंड में है। तो आपने सुना कि इस प्रकार से दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल करा दिया है और दाखिल कराने के साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ से हमें MLC का चुनाव जिताने के साथ MLC के लिए हमें जो टिकट दिया है इसके लिए हम काफ़ी उनको धन्यवाद देते हैं और जिस मजबूती के साथ, जिस भरोसे के साथ में हमें वहां भेजने का काम कर रहे हैं, हम उतनी ही मेहनत और उतनी ही लगन के साथ पार्टी को और मजबूत करने का काम लगातार करते रहेंगे। तो दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही पार्टी पर भरोसा जताने का धन्यवाद भी ज्ञापन किया और धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये बातें चल रही थी कि BJP से और NDA से कौन जाएगा MLC चुनाव पर, किसको जो है वो टिकट मिलेगा। तो उन्होंने अपने पार्टी का नाम जो है, अपने उम्मीदवारों का नाम क्लियर करते हुए उन्हें घोषणा कर दी और घोषणा करने के साथ ही आज जो है NDA के सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल करा दिया है और आगामी MLC चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो अब शुरू कर ली गई है। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।